हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज इस वीडियो में RRB NTPC के लास्ट फेज जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 जुलाई से और 31 जुलाई तक, ये 4 डेट में होगा। और ये नोटिफिकेशन आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग आपसी नोटिफिकेशन जाके देख सकते हैं। और RRB जो NTPC का लास्ट फेज का जो एग्ज़ाम है, 2 पॉइंट समथिंग, अभी जो कैंडिडेट बाकी हैं उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। और जो छूटे हुए थे अभी, इतने लोगों को अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें पूरी डिटेल में बताया है, अभी इतने लोगों को एग्ज़ाम बाकी हैं। और लास्ट फेज का जो एग्ज़ाम डेट है, इसमें इसके हो जाने के बाद आयोग की तरफ से कितना अटेंडेंस था टोटल, RRB का जो NTPC का जो कट ऑफ जारी होगा, पहले उसमें अटेंडेंस टोटल कितना था। अभी तक जो 6 फेज तक अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें 50% तक अटेंडेंस अप्रॉक्स बताया गया था। और इसमें कट ऑफ भी जो 2016 में RRB NTPC जो कट ऑफ गया था वो कम गया था उसकी अपेक्षा, और उसमें लगभग 70% तक अटेंडेंस था, इस उसकी अपेक्षा ये कम है 2019 के जो NTPC का जो नोटिफिकेशन आया था। और इसका CBT 1 का जो लास्ट फेज का एग्ज़ाम 31 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद CBT 2 का एग्ज़ाम और कि मैं कब तक होगा ये अक्टूबर तक आप लोगों को होगा, क्योंकि सितंबर के मिड तक इसका रिजल्ट आएगा। और CBT 2 का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को अक्टूबर से देखने मिल जाएगा, क्यों 1 हफ्ते लगेंगे। 7 लाख कैंडिडेट रहेंगे, वैकेंसी का जितना है 20 गुना, उसमें लगभग 7 लाख समथिंग इतने रहेंगे 1 हफ्ते में, तो आप ये रेलवे जो करा लेगा एग्ज़ाम। और इसमें जो कट ऑफ की बात करें तो इसमें क्योंकि 6 फेज तक ये 50 था, अप्रॉक्स इतना ही अटेंडेंस रहने वाला है। और जनरल कट ऑफ के बारे में बात करें तो ये 60+ जाएगा, 60+ जाएगा, और OBC का 55+ जाएगा, और SC की बात करें तो ये 52+ ही रहेगा, और ST 50+ ही रहेगा, और EWS 45+, क्योंकि ये अभी अभी ये वैकेंसी में लगा है, क्योंकि उतने इसमें फॉर्म नहीं पड़े हैं EWS में, इसका कट ऑफ तो लो ही रहेगा। और NTPC अभी तक जो कैंडिडेट छूटे हैं, अभी जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए वो डरे नहीं, ये जाके एग्ज़ाम दें, क्योंकि उतना कंपटीशन इसमें नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी वैकेंसी है और इसमें जो फॉर्म डाले थे वो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है, और इसमें जो अटेंडेंस भी है वो भी कम हो गया है, और इसमें भी कट ऑफ भी उतना हाई भी नहीं जाएगा, और उतना इस बार नॉर्मलाइजेशन भी कम रहेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी आप लोग तैयारी नहीं किए तैयारी कर लें, और एग्ज़ाम को छोड़े ना, जाके एग्ज़ाम दें, डरे ना। यह वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ, थैंक यू, जय हिंद।